हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी विषय कक्षा 9 के वर्ग 9 के हिंदी विषय के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करवाने जा रहे हैं, जो आपके हिंदी के गद्य खंड से होंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आपके परीक्षा में इन प्रश्नों के पूछे जाने की काफ़ी संभावना बनती है, इसलिए आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहें और सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें, ताकि परीक्षा में आपसे कोई भी प्रश्न छूट ना पाए और आप उसका सही सही उत्तर लिख कर आएँ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, और इसमें हम आपको तीन चैप्टर से करवाएंगे। जो पहला है दो बैलों की कथा, जिसको कि प्रेमचंद्र ने लिखा है, दो बैलों की कथा, इसमें हम गद्य खंड से ही करवाने जा रहे हैं, पद्य का अलग वीडियो बनाएंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर होगा लहासा की ओर, लहासा की ओर, और तीसरा है सांवले सपनों की याद। इन तीनों चैप्टरों से प्रश्न होंगे, जो कि परीक्षा में आने ही हैं और यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हीरा और मोती अपने मालिक झूरी के साथ किस तरह का भाव रखते थे। तो आपने कहानी में पढ़ा भी है कि हीरा और मोती अपने मालिक झूरी के साथ अत्यंत गहरा प्रेम एवं आत्मीय व्यवहार रखते थे। वे अपने मालिक से प्रेम करते हुए उसकी हर बात मानते थे। वे झूरी से अलग नहीं रहना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि उनका मालिक चाहे जितना काम करा ले, पर वह उन्हें अपने से अलग न करे, मतलब वह मालिक के साथ ही रहना चाहते थे। झूरी ने जब गया के साथ उन्हें भेजा, तो वे रस्सी पगहे तुड़ाकर गया के घर से भागकर आ गए। इस समय उनकी आंखों में विद्रोहमयी स्नेह झलक रहा था। हीरा मोती को भागने का अवसर मिलने पर भी वे अंत में भाग कर झूरी के पास आ जाते थे, जो उनके असीम लगाव का प्रमाण था कि वो झूरी से असीम लगाव रखते थे। और दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसमें कि हीरा मोती दो बार झूरी के घर से वापस आए, दोनों बार झूरी की पत्नी की प्रतिक्रिया अलग अलग क्यों थी, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कि झूरी ने अपने बैलों हीरा और मोती को गया के घर काम के लिए भेजा। हीरा मोती झूरी से बहुत लगाव रखते थे। वे झूरी को छोड़कर गया के घर नहीं जाना चाहते थे। गया के साथ वे जैसे तैसे चले गए, पर बेगानापन महसूस होने के कारण वे रात में ही रस्सी पगहे तुड़ाकर चले आए। यह देखकर झूरी की पत्नी ने उन्हें नमक हराम कहा और उन्हें खली चुनी चोकर आदि देना बंद करके सूखा भूसा सामने डाल दिया, मतलब कि अच्छा खाना नहीं दिया। दूसरी बार हीरा मोती काजी हौस से नीलाम होकर किसी तरह घर पहुंचते हैं, तो उनकी दशा देखकर झूरी की पत्नी के मन में उनके प्रति बदलाव आ जाता है। वह बैलों द्वारा सहे कष्ट का अनुमान लगा लिया और उनके माथे को चूम लिया। ऐसी प्रतिक्रिया बैलों के द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष के कारण थी। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हीरा मोती स्वभाव से विद्रोही तो हैं, पर उनके मन में दया भाव भी है। इसका प्रमाण हमें कब और कहाँ मिलता है, दो बैलों की कथा के आधार पर स्पष्ट कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसका उत्तर देखिए। हीरा और मोती स्वभाव से ही विद्रोही हैं। इसी विद्रोह के कारण वे दूसरी बार भी गया के घर से भागते हैं और खेत के रखवालों द्वारा पकड़कर काजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं। काजी हाउस में हीरा मोती ने देखा कि यहाँ भैंसे, घोड़ियां, गधे, बकरियां आदि पहले से हैं। वे चारा न मिलने के कारण मुर्दों जैसे जमीन पर पड़े हैं। इन्हें देखकर हीरा मोती दयार्द हो जाते हैं, इनका मन में दया आ जाती है। पहले हीरा ने बाड़े की दीवार गिराना शुरू किया, परंतु चौकीदार ने देख लिया और उसे बंधन में डाल दिया, मतलब कि बांध दिया। अब मोती ने उग्र रूप अपनाया और 2 घंटे के परिश्रम के बाद बाड़ की आधी दीवार गिरा दी। अब उसने सींग मार मार कर जानवरों को वहां से भगा दिया और उनकी जान बचाई। इस प्रकार हीरा मोती एक ओर जहां विद्रोही हैं, वहीं दूसरी ओर उनके मन में दया भाव भी है।
नेक्स्ट चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि झूरी के पास वापस आए बैलों को देखकर बच्चों ने अपनी खुशी किस तरह व्यक्त की। तो इसका उत्तर है झूरी के पास लौटे हीरा मोती को देखकर बच्चों ने ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। वे उन्हें वीरता का प्रशस्ति पत्र देना चाहते थे। बच्चे खुशी खुशी में भागकर अपने घरों से चुन्नी गुड़ चोकर आदि लाकर खिलाने लगे। वे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। और अब प्रश्न आता है ल्हासा की ओर का। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ल्हासा की ओर से। यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहां की स्थिति आपके राज्य या शहर से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर देखिए, यात्रा वृतांत से ज्ञात होता है कि भारत और नेपाल, तिब्बत भारत और नेपाल से लगता हुआ देश है, जहां कुछ समय तक आने जाने पर प्रतिबंध था। यह स्थान समुद्र तल से काफी ऊंचा है। यहां 17-18 हजार फीट ऊंचे डाड़े हैं, जो खतरनाक जगह हैं। ये डाड़े नदियों के मोड़ और पहाड़ी की चोटियों के कारण बहुत ऊंचे नीचे हैं। यहां एक ओर हजारों बर्फ से ढके श्वेत शिखर हैं, मतलब पर्वत के शिखर हैं, तो दूसरी ओर भीटे भी हैं जिन पर बहुत कम बर्फ रहती है। यहाँ विशाल मैदान भी है जो पहाड़ों से घिरे हैं। यहाँ के विचित्र जलवायु में सूर्य की ओर मुंह करके चलने पर माथा जलता है, जबकि कंधा और पीठ बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं। यह स्थिति हमारे राज्य शहर से पूरी तरह भिन्न है, क्योंकि इस तरह की स्थिति हमारे यहाँ नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने क्या क्या अनुभव प्राप्त किए। तो इसका उत्तर है, अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने पाया कि वहां समाज में छुआछूत पर्दा प्रथा जैसी बुराइयां नहीं है। वहां औरतों को अधिक स्वतंत्रता मिली है। लोगों में छंड पीने का रिवाज है। बौद्ध धर्म के अनुयायी तिब्बती अंधविश्वासी भी हैं। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है कि तिब्बत में उस समय यात्रियों के लिए क्या क्या कठिनाइयां थी। तो इसका उत्तर है, तिब्बत की यात्रा में उस समय अनेक कठिनाइयां थी। पहली, तिब्बत की यात्रा करने पर प्रतिबंध था। ऊंचे नीचे स्थानों पर आना जाना सुगम न था। भरियां न मिलने पर सामान उठाकर चलना कठिन हो जाता था और डाकुओं के कारण जान माल का खतरा बना रहता था। और फिर आठवां प्रश्न है कि तिब्बत में खेती की जमीन की क्या स्थिति है। ल्हासा की ओर पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों, और सारे प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा। तो तिब्बत में खेती की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी है। इन जमीनों का एक बड़ा हिस्सा जागीरों मतलब मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में से हर जागीरदार खुद भी कुछ खेती कराता है। इसके लिए उन्हें मजदूरों को मेहनताना नहीं देना पड़ता है। खेती का इंतजाम देखने के लिए जिन भिक्षुओं को भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा जैसा होता था, मतलब जो भिक्षु खेत का काम देखने जाता था वह राजा जैसा होता था, काफी उसकी चलती थी। और इन भिक्षुओं और जागीरदारों पर ही खेती कराने की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट नौवां प्रश्न है, तिब्बत में डाकुओं को कानून का भय क्यों नहीं है। तो इसका उत्तर है, तिब्बत में हथियारों का कानून न होने से डाकुओं को हथियार लेकर चलने में कोई कठिनाई नहीं होती है। हमारे यहाँ कानून है कि हम हथियार लेकर नहीं चल सकते हैं, लेकिन तिब्बत में इस तरह का कोई कानून नहीं है। यदि वे किसी की हत्या कर देते हैं तो सुनसान इलाकों में हत्या का कोई गवाह नहीं मिलता है और वे आसानी से बच जाते हैं। दसवां प्रश्न है, तिब्बत का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, तिब्बत का प्राकृतिक सौंदर्य सचमुच अनुपम है। यह सुंदर एवं मनोहारी घाटियों से घिरा पर्वत क्षेत्र है। एक ओर हरी भरी घाटियां और हरे भरे सुंदर मैदान हैं, तो दूसरी ओर ऊंचे पर्वत हैं। इनके शिखरों पर बर्फ जमी रहती है। वहीं कुछ भीटे जैसे स्थान भी हैं जिन पर कम ही बर्फ दिखाई देती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कोने और नदियों के मोड़ इस खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। यहाँ की ठंड जलवायु इसके सौंदर्य में वृद्धि करती है। और अब आ गया सांवले सपनों की याद से प्रश्न नंबर 11। और ये कह रहा है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। ये तो वीवीआई है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसको
जरूर याद करके जाइएगा। तो इसका उत्तर है, एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार से की ओर मुड़ गई। वे पक्षी प्रेमी बन गए। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, लेखक ने सालिम अली का जो चित्र खींचा है वह इस प्रकार है। सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी थे। एक बार बचपन में उनकी एयर गन से घायल होकर नीले कंठ वाली गौरैया गिरी थी, जिसकी हिफाजत और उससे संबंधित जानकारी पाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया उससे पक्षियों के बारे में जिज्ञासा उठी। जिज्ञासा ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। वे दूर दराज घूम घूम कर पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले। वे प्रकृति की दुनिया के अथाह सागर बन गए थे। और प्रश्न 13 है कि सांवले सपनों का हुजूम कहां जा रहा है, उसे रोकना संभव क्यों नहीं है। तो इसका उत्तर है, सांवले सपनों का हुजूम मौत की खामोश वादी की ओर जा रहा है। इसे रोकना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इस वादी में जाने वाले वे होते हैं जो मौत की गोद में चीर विश्राम, मतलब लंबा विश्राम कर रहे होते हैं। ये अपना जीवन जी चुके होते हैं। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है कि मृत्यु की गोद में सोए सालिम अली की तुलना किससे की गई है और क्यों। इसका उत्तर है, मृत्यु की गोद में सोए सालिम अली की तुलना उस वन पक्षी से की गई है जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि सालिम अली भी अपनी जिंदगी के 100 वर्ष जीकर मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। अब वे पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करने नहीं जा सकेंगे। और नेक्स्ट है उसके बाद कि सालिम अली की दृष्टि में मनुष्य क्या भूल करते हैं, उन्होंने इसे भूल क्यों कहा है। तो इसका उत्तर है कि सालिम अली की दृष्टि में मनुष्य यह भूल करते हैं कि लोग पक्षियों, जंगलों, पहाड़ों, झरने, अवसारों आदि को आदमी की निगाह से देखते हैं। उन्होंने इसे भूल इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य पक्षियों, नदी, झरनों आदि को इस दृष्टि से देखता है कि इससे उसका कितना स्वार्थ पूरा हो सकता है। यह बहुत ही गलत दृष्टि है। और 16वां VVI प्रश्न कि पक्षियों के प्रति सालिम अली की दृष्टि अन्य लोगों की दृष्टि में क्या अंतर है। सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर लिखिए। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। तो इसका उत्तर है कि सालिम अली दूर दूर तक पक्षियों की खोज में यात्रा करते थे। वे अत्यंत उत्साह से दुर्गम स्थानों पर भी पक्षियों की खोज करते, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचते और उनसे जुड़ी दुर्लभ जानकारी हासिल करते थे। परंतु अन्य लोग पक्षियों को अपने स्वार्थ और मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है कि सालिम अली पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी थे। सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका उत्तर है कि सालिम अली पक्षियों से जितना लगाव रखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते थे, उतना ही वे प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी चिंतित रहते थे। वे केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले और वैली को बचाने का अनुरोध किया। उसके बाद 18वां प्रश्न है कि सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर बताइए कि सालिम अली को नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप क्यों कहा गया। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक होता है। तो इसका उत्तर है कि सालिम अली महान पक्षी प्रेमी थे। इसके अलावा वे प्रकृति के से असीम लगाव रखते थे। वे प्रकृति के इतना निकट आ गए थे कि ऐसा लगता था कि उनका जीवन प्रकृति में हो गया था। सालिम अली प्रकृति के स्वभाव में आने के कायल नहीं थे, वे प्रकृति को अपने प्रभाव में लाना चाहते थे।
पक्षी प्रेम के कारण वे पक्षियों की खोज करते हुए प्रकृति के और निकट आ गए। नदी, पहाड़, झरने, विशाल मैदान और अन्य दुर्गम स्थानों से उनका गहरा नाता जुड़ गया था। जिंदगी में अद्भुत सफलता पाने के बाद भी वे प्रकृति से जुड़े रहे। इस तरह उनका जीवन नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गया था। उसके बाद है सांवले सपनों की याद। पाठ के आधार पर सालिम अली के व्यक्तित्व की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह लॉन्ग आंसर है, तो इसका उत्तर है कि सालिम अली दुबली पतली काया वाले व्यक्ति थे जिनकी आयु लगभग 100 वर्ष होने को थी। पक्षियों की खोज में की गई लंबी लंबी यात्राओं की थकान से उनका शरीर कमजोर हो गया था। वे अपनी आंखों पर प्रायः दूरबीन चढ़ाए रखते थे। पक्षियों की खोज के लिए वे दूर दूर तक दुर्गम स्थानों की यात्राएं करते थे। उनकी एयर गन से घायल होकर गिरी नीलकंठ वाली गौरैया ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वे पक्षी प्रेमी होने के अलावा प्रकृति प्रेमी भी थे। वे प्रकृति में जीवन जीते थे और उसकी सुरक्षा के लिए प्रयासरत रहते थे। वे नदी, पहाड़, झरनों आदि को प्रकृति की दृष्टि से देखते थे। तो बच्चों, ये थी आपके हिंदी के गद्य खंड की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसी तरह से पद्य खंड का भी महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के भी शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।